बताया कि आत्मनिर्भर भारत की नींव है किसान। अगर आत्मनिर्भर भारत की नींव किसान है तो किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? ये बिल किस लिए लाया गया? प्रधानमंत्री जी लगातार देश के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनके जमीनों को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। निजी जो कंपनी है, जो पूंजीपति है, उनके हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसपी को समाप्त कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी इस पर मौन क्यों है? उनकी मंशा क्या है? एक बड़ा सवाल है। जब कोविड चल रहा था उस समय किसान देश के गिरती हुई अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ था, फिर भी किसानों के ऊपर ज्यादती क्यों, जुल्म क्यों? सर, कोरोना वायरस के आंकड़े जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार बता रही है कि रिकवरी रेट में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ 82.46% का रिकवरी रेट हो गया है। और कितनी मौतों का इंतजार सरकार कर रही है, कितनी दुर्व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। लोग घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी में T11 परेशान है। उत्तर प्रदेश में किसी का जान सुरक्षित नहीं है। जांच के लोगों को पूरी तरह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सरकार और अधिकारी मिलकर लगातार लैब टेक्नीशियनों पर दबाव बना रहे हैं कि वो रिपोर्ट कम से कम दें और जांच कम से कम करें। आखिर सरकार की मंशा क्या है? किसी भी क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति, किसी भी अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए। आखिर 44 लोग जो निजी अस्पताल में मरे, सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरी तरह यह सरकार इस महामारी में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों के जान जीवन से सरकार को कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, कोविड-19 में बैठकें ले रहे हैं, इस तरह से आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, मुख्य सचिव, दोनों संबंधित विभागों के मंत्री, सभी जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल, CMS, लगातार सभी आला अधिकारी उनसे जुड़ रहे हैं। किसकी बैठक ले रहे हैं, क्यों बैठक ले रहे हैं, बैठकों का नतीजा क्या है? बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन रोज घटनाएं घट रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का क्या आलम है? कल मैंने गिनती कराया, लगभग 6 लड़कियों के साथ दुराचार की घटना सामने आई, हत्या की घटना लगभग 13 के पास थी, आज 7 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। आखिर समीक्षा का दौर क्या चल रहा है? हाथरस की बेटी के साथ न्याय नहीं, अभी वो जीवन और मौत से जूझ रही है। सरकार किसका इंतजार कर रही है? उस बेटी के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं। अगर सरकार गंभीर रहती तो उस बेटी को हवाई एम्बुलेंस से ले जाकर दिल्ली के एम्स में इलाज कराती। अभी तक आरोपी पूरी तरह पकड़े नहीं गए, DMSP पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आखिर किस चीज की समीक्षा हो रही है? जो SSP महोबा में व्यापारी की हत्या में शामिल होता है, नाम होता है, मुकदमा दर्ज होता है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप बैठक ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, दिखावा बंद करिए। अब दिखावा उत्तर प्रदेश देख चुका है, आने वाले समय में आपको जरूर बताएगा। कल कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, किन विषयों को लेकर और कितने बजे से ये प्रदर्शन होगा? किसानों के साथ जिस तरह का धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इस कृषि बिल विधेयक के खिलाफ राज्यसभा में भी लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, सड़कों पर आंदोलित रही, रोज लाठी खाए, जेल गए, और कल पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, कल कांग्रेस पार्टी विरोध मार्च करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएगी। लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस बिल को किसी कीमत पर इस देश में लागू नहीं होने देंगे।